हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल लॉक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये कमोड है वेस्टर्न स्टाइल का, ये पैरी वेयर का इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये देख लीजिए। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये जो नॉब है ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन नॉब सही होने के बाद भी यहाँ से पानी गिर रहा है। देखिए यहाँ से हल्का सा, हम फ्लैश जला के दिखाते हैं, देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है। देखिए धीरे धीरे यहाँ से आपका पानी गिर रहा है, तो अगर आप इसको नहीं ठीक करेंगे तो आपका पानी पूरे रात भर इसी तरह गिरते रहेगा और 1000 लीटर का जो वाटर टैंक है वो खाली हो जाएगा। जब भी आप इस फ्लैश को यूज़ करेंगे, आपका फ्लैश का अंदर में पानी जो स्टोर रहता है वो खाली हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है जैसे पानी कंटिन्यूस गिर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सिस्टम के अंदर एक साइफन लगा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए, इसका कवर मैं खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसका कवर हम लोग हटा लेंगे कुछ इस तरह से, और देखिए, और यहाँ पर एक डंडी जैसी चीज़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डंडी जैसी चीज़ है, इसको हम लोग हटा लेंगे यहाँ से। इसका नट इस तरह से खोल के स्क्रू, देखिए इस तरह से स्क्रू हटा लिया, और ये डंडी ऐसे ऊपर की साइड रहती है, और ये इसका नॉब है। इस नॉब को कैसे चेंज करना है और ये कैसे अटकता है, इस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। सो आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो आप सिस्टम पर दो वीडियोस पहले से ही मेरे चैनल पे आप वो देख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं संभाल के यहाँ रख दूंगा इधर। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये साइफन लगा हुआ है। ये इस साइफन के अंदर ये काले रंग का रबड़ होता है जो कि पुराना होने पर कट जाता है। सो उसको आप चेंज कर लीजिएगा तो ये आपका जो पानी जो है अंदर कमोड में जो गिर रहा है कंटिन्यूस वो बंद हो जाएगा। इसको निकालना कैसे है वो भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है। ये ऊपर का ये जो हिस्सा है उसको नहीं खोलना है, नीचे में कप जैसा बना हुआ है। हम पहले पानी इसका फ्लश आउट कर देते हैं इस तरह से, ऊपर से इस पानी को हम निकाल देंगे। देखिए पानी निकल गया, और ये जो कप है, जो गिलास जैसा शेप का जो चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए हम हाथ लगा के इसको, इस गिलास को इस तरह से खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से इसमें चूड़ी बनी हुई रहती है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस तरह से देखिए हम लोग खोल लेंगे। इस तरह से ये बाहर आ गया, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक रबड़ आती है, ये रबड़ जो होती है वो घिस के कट जाती है, इसलिए आपका पानी हमेशा कमोड में गिरते रहता है। सो इसको आप हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर स्टोर से या सैनिटरी स्टोर से आप इसको चेंज कर लीजिएगा। आप ऐसा ये सैंपल ये पुराना वाला लेके जाइएगा हार्डवेयर स्टोर पे, ये 10 रुपये में ये रबड़ मिल जाएगी आपको, और आपको इस दोनों गैप्स के बीच में इस वॉशर को वापस से इस तरह से फिट कर देना है। और इसके पास एक कैप है, इसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ये जो कैप लगी हुई है, ये लेकिन यहाँ पे एक गुना बना हुआ है ये, जिसमें ये कैप फंसी हुई रहती है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे ये घाट में इस तरह से फिट रहता है, इसको आपको पीछे की तरफ नहीं खींचना है, ना आगे की तरफ ठेलना है, ना पीछे की तरफ। इसको जैसे यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ घाट पर फंसे रहने देना, बस ये काले रंग की रबड़ को आप चेंज कर लीजिएगा, और थोड़ा सा पुराना दांत धोने वाला ब्रश से इसको थोड़ा साफ कर लीजिएगा। ये सब हैंडल वैंडल को, ये जो अंदर जो ये कटोरा है, इसी में देखिए गुना बना हुआ रहता है गोल सा, जो अंदर की तरफ इस तरह से ऐसे घुमाने पर ये कस जाता है वापस। तो हम इसमें रबड़ चेंज करने के बाद इसको वापस लगा के आपको दिखाते हैं। तो चलिए हार्डवेयर स्टोर से मैं ये रबड़ लेकर आता हूँ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ कि आपको इसको कैसे फिट कर देना है वापस, और आपका पानी रुक जाएगा, दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट से मैं रबड़ नया लेके आ चुका हूँ, ये देख लीजिए इस तरह का वो ये वॉशर है। ये कंपनी का ओरिजिनल है, ब्लैक कलर का, और ये वाइट कलर का। ये हार्डवेयर स्टोर पे, सैनिटरी हार्डवेयर स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, ये 10 रुपये में एक मिल जाएगा। लेकिन कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर आपका कोई भी हो सकता है। आप देख लीजिए, ये कंपनी का ओरिजिनल है और ये मार्केट में मिल रहा है, लेकिन दोनों का बस साइज सेम होना चाहिए। कलर आप खोजते रह जाइएगा, ये सेम वैसा नहीं आता है मार्केट में, ये किसी ब्रांड का नहीं आता है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं रहती है। तो आप ब्रांड का खोजने के चक्कर में मत रहिएगा, बस साइज़ के हिसाब से ये 10 रुपये का ले लीजिएगा, जैसा कि मैं ले आया हूँ मार्केट से। और ये हमारा ये साइफन है, अब हम इस साइफन में यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। आप ऐसे थोड़ा फोकस रखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा टाइट जाएगा, नया है तो थोड़ा लगाने में टाइट सा लगेगा आपको। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको सेंटर में बिल्कुल अच्छे से इसको फिट कर देंगे, नया वॉशर। और अब हम इसको इसी तरह से जैसे खोले हैं, इसकी ये जो कप है इसी में चूड़ी बनी हुई है, और नीचे टैंक में भी चूड़ी बनी हुई है। देखिए इस तरह का चूड़ी बना हुआ है टैंक में, यहाँ भी चूड़ी है। अब हमको क्या करना है, एक हाथ से इस तरह से, इस तरह से इस बॉल को उठाना है, और इसको नीचे की तरफ यहाँ इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद हमको इस तरह से इस कप को कस देना है। देखिए आपको कैसे कसना है इसको, इस तरह से यहाँ पे हमको बैठाने के बाद इस कप को गोल गोल घुमाने के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको टाइट कर देंगे। देखिए अच्छे से टाइट हो गया बिल्कुल, ये देखिए टाइट हो गया। टाइट करने के बाद अब हमको कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही ये स्टिक लेनी है, ये स्टिक का ऊपर में रहेगा मुँह, और इसको इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से फंसा के हमको, देखिए इस तरह से फंसाने के बाद यहाँ सामने ये नॉब रखना है। नॉब का वीडियो मैं पहले ही बना चुका है अपने सिस्टम के दो वीडियोस में। इसको ऐसे अंदर से ये भी मिल जाता है, इसका भी आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि अगर आपका ये फ्लश टैंक का नॉब अटकता है या टूट जाता है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ फिट हो जाएगा, इस तरह से इसको फिट कर देंगे आसानी से, थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको फिट करेंगे। पोजीशन हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हम लोग फ्लश टैंक को इस तरह से यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे ऐसे, और इसके पोजीशन को ऐसे यहाँ पे कर देंगे, और इसका स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देंगे, देख लीजिए इस तरह से। और ये हमारा जो साइफन है जो ख़राब हो गया है, ये अब सही हो गया है। इसी में एक बोनस चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। सो चैनल
भाई अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये तो हो गया इस वॉशर का बात। अब ये बात कर लेते हैं कि ये वॉशर ख़राब कैसे होता है। आप मार्केट में एक सेकेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इस वॉशर के ख़राब होने का आपको मैं एक रीज़न बता देता हूँ आज, सो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। सो इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मार्केट में हम लोग इस फ्लश टैंक के अंदर ये फ्लश करने के लिए मार्केट में इस तरह की, देखिए हार्पिक की फ्लश मैटिक आती है, ये फ्लश मैटिक आती है हार्पिक की, देखिए हार्पिक फ्लश मैटिक, ये छोटी छोटी सी दो छोटी टिकड़ी रहती है जिसको डालने से पानी ब्लू कलर का आता है, नीले कलर का। देखिए मेरा ये पाइप नीले कलर का पूरा हो गया है। इस केमिकल को इस टैंक में यूज़ करने की वजह से इसमें ज़्यादा दिन तक केमिकल वाला पानी स्टोर रहता है और ये जो आपका जो रबड़ का जो ये वॉशर है सो खराब हो जाता है। सो हार्पिक का ये जो फ्लश टैंक में डालने वाली जो टिक्की आती है, हार्पिक का फ्लश मैटिक, ये आप यूज़ करने से थोड़ा बचेंगे तो आपका ये फ्लश, ये साइफन का जो रबड़ है ये जो कट जाता है ये आप उसे बच जाएगा। और एक बोनस आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ये देख लीजिए इसका ये पाइप आता है, ये देखिए यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है यहाँ पे, ये हमारा जो पाइप होता है इस कॉक के पास से, यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग पाइप होती है जो फ्लश टैंक को यहाँ से जोड़ती है। एक बोनस में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो फ्लश टैंक के पास जो यहाँ पे लगी हुई रहती है हमारी पाइप और यहाँ पर इस कॉक में, ये भी लीक करने लगती है। तो मार्केट में जब हम लोग ये ओरिजिनल खरीदते हैं तो काफ़ी दिन के बाद जब इसको किसी वजह से खोला जाता है तो ये रबड़ अंदर की काली वाली कट जाती है। देखिए इस तरह की रबड़ आती है, ये आपको 2 रुपये में मिल जाएगा वही सैनिटरी स्टोर में। ये आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से इसको निकालने के बाद चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है, देखिए इस तरह से हम लोग इसमें से काली वाली रबड़ को हम लोग ये उखाड़ खींच के निकालने के बाद इस तरह का हम लोग इस तरह से ये ढीला हो जाएगा। पहले ये रबड़ लगी हुई होगी काली वाली तो काफ़ी टाइट होगा ये वाला, तो हम ये वाइट कलर का ही, इस तरह का वॉशर आता नहीं है मार्केट में तो फिर से इसको खोजिएगा नहीं, इस तरह की ही वॉशर मिलेगी आपको। और इसके नीचे यहाँ पे घाट बना हुआ है पतला सा, देख लीजिए आपको इसी घाट पर यहाँ पे लगा देना है। देखिए और जैसे ही आप इस घाट पर इसको लगा दीजिएगा इस रबड़ को, आपका ये जो है ये भी नया जैसा काम करने लगेगा। ये देख लीजिए, तो मैं आपको इसको कनेक्ट करने के बाद, चालू करने के बाद दिखाता हूँ कि पानी कैसा हो रहा है काम। देखिए इस पाइप को हम लोग कनेक्ट करने से पहले, देखिए इस पाइप को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले ये एंगल कॉक में यहाँ पर हम लोग ये टेफ्लॉन टेप लगा देंगे इस तरह से, कुछ स्क्रू ड्राइवर की मदद से टेफ्लॉन टेप को इस तरह से हम लोग लपेट लेंगे और यहाँ से तोड़ लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से कुछ हम लोग इसके ऊपर गोल घुमा के इस पर लगा देंगे। देखिए कुछ तरह से जैसा कि मैं यहाँ पर लगा पा रहा हूँ, अच्छे से लगाना है कि आपका ओवरलैप ना करें। देखिए एक नई चीज़ इसमें पता चली है, ये जो पाइप है आपका, ये जो पाइप है जिसमें अभी मैंने काले रंग का वॉशर बदला है ये वाला, देख लीजिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पे मैं टेफ्लॉन टेप का प्रयोग करने के बाद ये पुराने वॉशर कटे हुए को निकाल के नया लगा दिया हूँ, लेकिन तब भी ये कोई काम नहीं कर रही है। देख लीजिए ये यहाँ से देखिए पानी निकलते रहेगा, तो ये जो आपकी जो कनेक्टिंग पाइप है इसका वॉशर बदलने के बाद भी ये पानी यहाँ से रुकेगा नहीं, तो आपको लास्ट में ये जो कनेक्टिंग वाली पाइप है वो नई ही डालनी पड़ेगी। तो ये भी आपको सैनिटरी स्टोर में ही मिल जाएगा, नया खरीद के ये पाइप ही डाल दें। वॉशर ये वाला डालने से ये वाइट और ब्लैक कलर की वॉशर जो इसके अंदर में रखी है फिर वो चेंज करने के बाद भी आपका काम नहीं बनेगा, तो आपको ये पाइप ही चेंज करना पड़ेगा। सो अब मैं मार्केट से जाके इसका पाइप नया ले आऊँगा, तब तक मैं इसको टैंक को भरने के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब हम लोग इसका कैप लगा देंगे इस तरह से, कुछ देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग लगा देंगे और पानी भरने के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे नीचे कि यहाँ से पानी गिर रहा है कि नहीं, कि रुक गया है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर पानी रुक गया है, ये वॉशर बदलने से काम हो गया हमारा, साइफन का रबर आप इस तरह से बदल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो पानी आपका जो गिर रहा है ये कनेक्टिंग पाइप, इसका काला वाला रबड़ बदलने के बाद भी आपका काम नहीं होगा, ये कनेक्टिंग पाइप आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो वीडियो आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।